तो देखिए दोस्तों, इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये पीस ऑलरेडी क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद इसकी लेंथ है 20.5 इंच और ब्रेथ है इसकी 13 इंच। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे सेंटर से यूं फोल्ड कर लेना है और यहाँ से देखिए हमें लेना है 2 इंच अंदर की ओर और यहाँ से हमें लेना है 1 इंच। इधर से 2 इंच और फोर साइड से 1 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम फोर साइड से ही, या तो आप इस पीस को ही सीधा यहाँ पे रख लीजिए और कटिंग कर लीजिए, या फिर यहाँ से 1 इंच, फोर साइड से 1 इंच और यहाँ से 2 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग। ठीक है, ये हमने कटिंग कर लिया। अब हम इस पीस को यू लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। और एकदम बराबर कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच बिलो यानी नीचे की साइड और 3.5 इंच लेफ्ट हैंड की साइड और एक गोलाई हमने यहाँ पे कर लेनी है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस पीस को हम दूसरी साइड रखेंगे और सेम ऐसे ही कटिंग यहाँ पर भी कर लेंगे हम। तो देखिए अब मैंने 2 इंच विड्थ की ये 22 स्ट्रिप ले ली है और देखिए यहाँ से मैं 4 इंच अबव की तरफ मार्क लगाऊंगी। इधर से भी 4 इंच पे मार्क लगा लेना मैंने। अब इस 22 स्ट्रिप को हम 4 इंच के बाद इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ तक इसका ये पॉइंट पहले अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 4 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, इधर भी और ये इस तरीके से हम 4 इंच के बाद इस बायस स्ट्रिप को स्टिच करेंगे यहाँ तक। तो देखिए इस बायस स्ट्रिप के किनारे हम अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे यूं और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे इस तरफ भी और दूसरी साइड भी। यहाँ पर भी ऐसे ही करना हमें, इसके किनारे जो है ऐसे अंदर की तरफ टर्न करने हैं और ऊपर से स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने स्टिच करके तैयार कर लिया है। इसके बाद हम बैग की स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप बनाने के लिए मैंने 19 इंच लेंथ और 3 इंच विड्थ के ये दो स्ट्रेट स्ट्रिप काट ली है जिसके बीच में मैं 1 इंच चौड़ी फॉर्म रखूँगी और उसके किनारे देखिए इस तरीके से मुझे अंदर की तरफ टर्न करने हैं और स्टिच
लगा के इस स्ट्रिप को तैयार कर लेना है। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी स्ट्रिप भी तैयार कर लेंगे। अब हम इस स्ट्रिप को बैग के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हम बैग को लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे हमें मार्क लगा लेना है। इधर भी और इधर भी। और उसके बाद सेंटर से 2.5 इंच अबव और 2.5 इंच बिलो हमें मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद ये देखिए सेंटर से 2.5 इंच ऊपर और 2.5 इंच नीचे की तरफ हम मार्क लगा लेंगे। और इस स्ट्रिप को इधर भी हमें ऐसे ही करना है, सेंटर से 2.5 इंच अबव और 2.5 इंच बिलो मार्क लगा लेना है। और उसके बाद इस स्ट्रिप को यहाँ पर हमें रखना है और स्टिच कर लेना है। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर रखना है और स्टिच कर लेना है। तो देखिए अब मैंने ये 18 इंच लेंथ की जिप ले ली है और इसको मैं यूं अलग कर रही हूँ दोनों हिस्सों को। और यहाँ पर हम रखेंगे इसको और स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। इसी तरीके से दूसरा जिप का हिस्सा भी बैक के इस तरफ रख कर हम इसे स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को बैक की तरफ करके इस रेड कपड़े के एकदम किनारे पर ऊपर से स्टिच लगा लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक की जिप है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो देखिए अब हम इस बैग में अंदर से पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए मैंने ये 6 इंच बाय 6.5 इंच का फैब्रिक ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसका किनारा यूं टर्न करके एक किनारे की फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हम बैग के रॉन्ग साइड पर इस पॉकेट को अटैच करेंगे। दोनों तरफ से बराबर गैप ले लेना है और इस किनारे को यूं, इस किनारे को अंदर की साइड टर्न करना है, बेस को भी अंदर की तरफ टर्न करना है और तीनों तरफ स्टिच लगा के इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो देखिए अब हम जिप के रनर को जिप में डाल देंगे। तो देखिए हमने जिप के रनर को जिप में डाल दिया है। अब हम बैग को रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करेंगे। और यूं रख लेंगे एकदम बराबर करके। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 5 इंच पर मार्क लगा के स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी 5 इंच पर ही मार्क लगा के स्टिच कर लेना है एकदम सीधा। तो दोनों तरफ 5-5 इंच पर हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने अब ये कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के लिए इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है, दूसरा कॉर्नर यूँ रखना है और यहाँ पर भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ये बैग बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।